हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, बेसिक मैथ्स पढ़ रहे थे अपन। बेसिक मैथ्स में आज का जो लेक्चर है, इसमें अपन कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट मैथ्स की आइडेंटिटीज़ हैं जो आपने टेंथ से पहले भी पढ़ी होंगी, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। उनके अलावा भी कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो पूरे 11 12th की मैथ्स में आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो पढ़ेंगे हम। उसके बाद हम कुछ इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे कि इक्वेशन आ जाएँ एक्स प्लस वाई इक्वस टू टू, एक्स माइनस वाई इक्वस टू थ्री, और या तीन वेरिएबल्स की इक्वेशन आ जाए, कैसे उनको सॉल्व करना है वो सीखेंगे अपन। और फिर कंटिन्यू सम और कंटिन्यू प्रोडक्ट, सिग्मा और पाई, उनकी प्रॉपर्टीज सीखेंगे। तो ये तीन काम इस चैप्टर में हम करेंगे, जो बेसिक मैथ्स के काम है जो अपने को आने चाहिए। आइए बच्चों, तो आज का लेक्चर में हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं। तो आप एक हेडिंग में लिख लीजिए बच्चों, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जो अपने को याद रहनी चाहिए थ्रू आउट 11th 12th, ताकि कभी भी मैथ्स में हमें कोई अटका ना सके। आइए सबसे पहले हम पहली आइडेंटिटी लिखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो बहुत ही खतरनाक है, बच्चे बोलेंगे सर एकदम नहीं बता दिया आपने। तो ये आप 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 6th क्लास की मैडम को याद करो, उन यादों से तुरंत बाहर आओ और बताओ आंसर क्या था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसका आंसर था। बच्चों ये आंसर तो आपको पता ही होगा, लेकिन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे ना, तो हमें इस a प्लस बी के होल स्क्वायर को a माइनस बी के होल स्क्वायर में भी लिखना आना चाहिए। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब मेंटली कैलकुलेशन करो, है ना, मेंटली कैलकुलेशन बताओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना बनता, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस 2ab आता। अगर माइनस 2ab में मैं प्लस 4ab कर दूं, तो बताओ माइनस 2ab प्लस 4ab क्या वो प्लस 2ab बना लेगा। इसको एक्सपेंड कर दो मेंटली, और मेंटली नहीं कर पा रहे हो तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बताओ इसमें प्लस 4ab कर दिया, तो 4ab और माइनस 2ab कितना हो जाएगा, केवल प्लस 2ab वही आ जाएगा। ठीक है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, बट मेंटली आप जरूर कैलकुलेशन कर लो कि क्या क्या फॉर्मूलेज आएंगे। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर को ए माइनस बी के होल स्क्वायर में लिखना आना चाहिए, आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। सेकेंड आइडेंटिटी जो आपको इंपॉर्टेंट है याद करनी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर 6th क्लास की मैडम ने अगेन बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो आपको बताया ही था। इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस 2ab में माइनस 4ab करोगे तो वापस माइनस 2ab आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, इसीलिए ये फॉर्मूला भी हमारे पास आ जाएगा। चलो इसके बाद आप मेरे को बताओ a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब सर ये मैडम ने बताया तो था, बट हमने ध्यान नहीं दिया, मैडम पे ध्यान दे दिया। बताओ क्या बताया था मैडम ने, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब होएगा बच्चों a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये बात तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना पड़ेगा। इसी में आप a क्यूब प्लस बी क्यूब निकाल सकते थे, इसी से आप a क्यूब प्लस बी क्यूब निकाल सकते थे। कैसे आता, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला कितना आता, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आ जाता यहाँ से कितना, इसको उधर ले जाते तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये ऊपर वाला फॉर्मूला याद कर लेना, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस काफ़ी जगह आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये याद करना है अपने को। इसी में ये जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आया है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनने वाला है। बताओ इसको तुम और क्या लिख सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या आ जाएगा। बच्चों इन दोनों में से अगर तुम ए प्लस बी कॉमन ले लो, ए प्लस बी कॉमन ले लो, तो बताओ ए प्लस बी कॉमन लोगे तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इधर बचेगा माइनस 3ab, इधर बचेगा माइनस 3ab। कहने का मतलब क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का एक नया फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी
बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब प्लस टू ए बी के आगे लिखा है माइनस थ्री ए बी, तो केवल माइनस ए बी बाकी रह जाएगा। इसका मतलब तुम्हें फॉर्मूला कौन सा याद करना है, तुम्हें फॉर्मूला ये याद करना है, एक तो ये ए प्लस बी का होल क्यूब, ये तो मेन फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद कर लेना, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसके ऊपर वाला फॉर्मूले तो सिंगल फॉर्मूले थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो तो याद है ही, लेकिन क्यूब में ये दो फॉर्मूले याद कर लेना, ए प्लस बी का होल क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। ऐसे ही इसमें आओ थर्ड फॉर्मूले के बाद फोर्थ फॉर्मूले में, खुद से निकालो ये फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला, ठीक है। तो फोर्थ फॉर्मूला बताइए बच्चों, फोर्थ फॉर्मूले में अपन अगर देखें तो फोर्थ फॉर्मूला बताइए बच्चों मेरे को, इसमें आपसे पूछा गया है a माइनस बी का होल क्यूब। इससे पहले अपन देख रहे थे a प्लस बी का होल क्यूब, अब आप लोग बताइए मेरे को a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब, एक फॉर्मूला तो तुम्हें याद करना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू a माइनस बी, सारे माइनस वाली टर्म्स आ जाएंगी। जैसे इसमें a प्लस बी का होल क्यूब कितना आया था, अगर यहाँ पे आपको दिखे a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी, ऐसे a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू a माइनस बी, है ना। तो ये अपने पास आया है फॉर्मूला, इसमें से तुम थोड़ी सी कैलकुलेशन करो और एक और फॉर्मूला निकालो, और वो फॉर्मूला तुम्हें निकालना है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। बताओ a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये a माइनस बी का होल क्यूब, ये टर्म उधर जाके प्लस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी आ जाएगी, प्लस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी आ जाएगी। बताइए तो यहाँ से अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर तुम कॉमन ले लो, या केवल a माइनस बी कॉमन ले लो, a माइनस बी कॉमन ले लोगे तो इस फर्स्ट वाले ब्रैकेट में बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा बच्चों थ्री ए बी, यानी ये कितना बचेगा a माइनस बी, और बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी में थ्री ए बी जोड़ेंगे तो प्लस ए बी, ये फॉर्मूला आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का। बच्चों जितने फॉर्मूलेज आप याद कर पाओ कर लो, क्योंकि ये फॉर्मूलेज आप डिराइव करने बैठे हुए तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो a माइनस बी का होल क्यूब उसका फॉर्मूला याद कर लो, और a क्यूब माइनस बी क्यूब इसका भी जो फॉर्मूला आ रहा है वो भी याद कर लो। तो ये बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको आनी ही चाहिए, अभी चार बेसिक आइडेंटिटीज आ चुकी हैं, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, चार बेसिक आइडेंटिटीज़, a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको याद रहता है, बट उसका ये वाला फॉर्मेट याद कर लेना कि a माइनस बी के होल स्क्वायर के टर्म्स में क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर याद कर लेना, a प्लस बी का होल क्यूब याद कर लेना, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब याद कर लेना, और a क्यूब माइनस बी क्यूब याद कर लेना, ठीक है। फिर आप फिफ्थ पॉइंट में आइए, फिफ्थ आइडेंटिटी पे आइए आप, फिफ्थ आइडेंटिटी जो है, फिफ्थ आइडेंटिटी में आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, काफ़ी ज़रूरत पड़ती है इन सब आइडेंटिटीज़ की। बताइए फॉर्मूला याद करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए याद करना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। इसमें भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे ही रखो, टू ए बी सी कॉमन ले लो। बच्चों बताओ ए बी सी कॉमन ले लोगे तो यहाँ बच जाएगा 1 बाय सी, है ना, यहाँ बच जाएगा 1 बाय ए, और यहाँ बच जाएगा 1 बाय बी, है ना। तो 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी, ये भी आप इसे लिख सकते हो। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी अपने को याद करना पड़ेगा, ठीक है। मैं जो नेक्स्ट और इनफैक्ट लास्ट आइडेंटिटी जो तुम्हें याद करनी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएगा और मैथ में काफ़ी जगह ये रिजल्ट यूज़ आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, ये आएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, इसकी वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए।
यहाँ पे आप ज़रूर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लें कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वस टू ज़ीरो, बच्चों बताओ ए प्लस बी प्लस सी इक्वस टू ज़ीरो कर दूंगा, ये लेफ्ट हैंड साइड ज़ीरो हो जाएगी, देन आप प्लीज़ याद रख लेना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वस टू थ्री ए बी सी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये ज़ीरो हो गया, माइनस थ्री ए बी सी दूसरी तरफ आ गया, थ्री ए बी सी के बराबर आ जाएगा। तो बच्चों ये आइडेंटिटीज़ बहुत ही छोटी सी आइडेंटिटीज़ हैं, ये पांच छह आइडेंटिटीज़ तुम याद कर लो ताकि मैथ्स में जब भी इनकी ज़रूरत पड़े तो आप इनको यूज़ कर पाओ। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों इसके आगे चलते हैं हम, और इसको हटा देता हूँ मैं, और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो अपन डिस्कस करते हैं बच्चों। तो जो नेक्स्ट अपने को जो पढ़ना था वो पढ़ना था बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आप एक हेडिंग में लिख लीजिए बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ये भी टेंथ से पहले आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे हम, अगर आपको मालूम हो तो सिंपल सा अगर मैं बताऊँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे अपन, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए बच्चों, सबसे पहले इसमें अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे, मान लीजिए चार नंबर होते हैं यहाँ पे 2, 4, 6 और 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता तो हम क्या करते, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करते पहले, तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करते क्या आता 16, फिर माइनस लगाते और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते क्या आता 24, जो भी आंसर आना है वो आंसर आ जाता, जैसे कि यहाँ पर आ जाता कितना -8। तो ये क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। बाकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों, हम कुछ इक्वेशंस सॉल्व करना चाहते हैं, आपको कुछ वेरिएबल्स दिए होंगे एक्स वाई जेड या और भी ज़्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं, और आपको उन वेरिएबल्स में इक्वेशंस दी होंगी और आपको हम इक्वेशंस सॉल्व करने को बोलेंगे जिससे आप एक्स वाई जेड की इक्वेशन जो भी दे रखी हैं उनसे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल पाएं। तो बच्चों वो इक्वेशंस आप कैसे सॉल्व करोगे वो हम इस एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उससे सीखेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ ज्ञान की बातें बताना चाहूँगा बच्चों। आप जैसे कुछ इक्वेशंस यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, देखिए ये इक्वेशन लिखी हुई है एक्स इक्वल्स टू फोर, क्या यहाँ पे एक्स की यूनिक वैल्यू है, क्या x की यूनिक वैल्यू है, बिल्कुल x की एक ही वैल्यू है 4। ये कितनी इक्वेशन थी, एक ही इक्वेशन थी, कितने वेरिएबल थे, एक ही वेरिएबल था। याद रखना बच्चों अगर एक इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, इसको जनरलाइज कर दो। अगर दो इक्वेशन होती और दो वेरिएबल्स होते तो भी हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलता x प्लस वाई लेट्स से 6 है और x माइनस वाई लेट्स से 4 है, बताओ x और y की क्या क्या सॉल्यूशंस होते हैं, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1, ये यूनिक सॉल्यूशन होता। x की वैल्यू 5 यहाँ पे रखते, 5 प्लस 1 6, 5 माइनस 1 4, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है। कब कब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, जब जितने वेरिएबल्स हों उतनी डिफरेंट इक्वेशंस होनी चाहिए। देखिए एक वेरिएबल था, एक ही इक्वेशन थी इसलिए यूनिक सॉल्यूशन, दो वेरिएबल्स थे एक्स और वाई और दो इक्वेशंस थी इसलिए आपको क्या मिल जाएगा, इसलिए आपको मिलने वाले हैं यहाँ से यूनिक सॉल्यूशन। तो एक पॉइंट याद रखेंगे हम कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं अगर उतनी इक्वेशंस हैं आपके पास डिफरेंट, तब आप उसको क्या बोलेंगे कि हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो आप यहाँ पे बच्चों सबसे पहले एक पॉइंट लिख लीजिए और पॉइंट में आप ये लिख लीजिए कि इफ वी हैव एन वेरिएबल्स, इफ वी हैव एन वेरिएबल्स, एन वेरिएबल्स मतलब 1, 2, 3, 4, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है, एन इज वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं आपके पास। तो इफ वी हैव एन वेरिएबल्स एंड एन डिफरेंट इक्वेशंस, एन डिफरेंट इक्वेशंस, देन we have unique solution, then we have unique solution। बच्चों आगे ये 11th 12th में matrix determinant करके टॉपिक आएगा जिसमें हम डिटेल में भी ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का भी एक चैप्टर आएगा उसमें भी पढ़ेंगे, बट बेसिक की क्लास है ये। तो बेसिक में कुछ जनरल से पॉइंट्स हैं जो 10th से पहले आपने पढ़े हैं, हाँ उससे थोड़ा सा एक बेटर पॉइंट और यहाँ पे मिल जाएगा, इसलिए ये ज़रूर अपन लिख लें। और ये पॉइंट जैसा कि मैंने आपको बताया एग्जाम्पल से याद कर लें, अगर एक वेरिएबल है और एक इक्वेशन है
तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन हैं, तब भी यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा आपको। तीन वेरिएबल हैं, तीन इक्वेशन हैं, तब भी आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। याद करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बच्चों इसमें एक और एग्जाम्पल अगर मैं लेता आपसे, बताओ मेरे को कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ये एक इक्वेशन होती। बताओ अब इसके कितने सॉल्यूशन होते बच्चों? अब x और y के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते। x को 1 लिखोगे तो y 3 आ जाएगा, x को 2 लिखोगे तो y 2 आ जाएगा, x को -1 लिखोगे, x को -1 लिखोगे तो y 5 आ जाएगा। यहां पे यू विल हैव हाउ मेनी सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका मतलब अगर आपके पास वेरिएबल्स ज्यादा हो और इक्वेशंस उनसे कम हो तो यू विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। अगर वी हैव इक्वेशंस लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, लिख लेंगे इफ वी हैव इक्वेशंस लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, देन वी हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो कुछ जनरल सी बातें मैंने की है, ये स्पेशली चैप्टर भी आएगा आपके 11th 12th में, तो आपको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, अभी आपको समझ में आना चाहिए कि मैथ्स और फिजिक्स में आपके पास दो वेरिएबल आ गए तो यार कम से कम दो इक्वेशन तो बना हुआ आप, है ना। आपके पास एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन से भी काम चल जाएगा, है ना। जैसे आप फिजिक्स का कोई एग्जाम्पल ले लो, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशंस आती थी एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो वो एक इक्वेशन अगर आप लगा रहे हो तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पे भी जैसे एक्स इक्वल्स टू 4 इक्वेशन है मैथ्स में इक्वेशन है x इक्वल्स टू 4, तो ये एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, इसलिए x की यूनिक वैल्यू x 4 है। दो इक्वेशंस थी, दो वेरिएबल्स थे, तब भी यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर एक ही इक्वेशन है और वेरिएबल्स दो हैं, एक ही इक्वेशन है वेरिएबल दो हैं, तो कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। बच्चों डिफरेंट इक्वेशंस होनी चाहिए, कहने का क्या मतलब है, एक और यहां पे एग्जांपल देख लेना। जैसे मान लीजिए कल को मैं आपको ये बोलता कि x प्लस y इक्वल्स टू 4 है और 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 है, तो अब कोई ऐसे मत बोलना कि दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, इसलिए हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। बच्चों ये नीचे वाली इक्वेशन तो ऊपर वाली इक्वेशन के बराबर ही है ना, है ना, ये डिफरेंट इक्वेशन नहीं हुई। ये तो 2 हटा दोगे आप तो वापस से x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 मिल जाएगा ना आपको। तो इसीलिए ध्यान रखना आप कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, इफ़ वी हैव n वेरिएबल्स, अगर आपके पास n वेरिएबल्स हैं तो n डिफरेंट इक्वेशंस होनी चाहिए, n अलग अलग इक्वेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक ही इक्वेशन को तुम 2 से 3 से मल्टीप्लाई कर दो या उसमें कुछ प्लस माइनस कर दो, नहीं तो बात नहीं बनेगी। तो प्लीज़ याद करना है अपने को एक जनरल सा पॉइंट, अगर कभी भी आपको इक्वेशन सॉल्व करने को मिली तो बैक ऑफ द माइंड आप याद रखेंगे कि अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं तो दो डिफरेंट इक्वेशन होनी चाहिए, तीन वेरिएबल्स हैं तो तीन डिफरेंट इक्वेशन होनी चाहिए, तब यू विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 और इक्वेशन है आपके पास 2, तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे आपके पास, समझ रहे हो। नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं 3 और इक्वेशन है 1, तब भी आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, एग्जांपल ले लो जो जो मैं कह रहा हूं। मैंने बस दो पॉइंट बताए हैं आपको, मैं एग्जांपल से और बता देता हूं। मान लीजिए अपन एक एग्जांपल ले लेते एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 10, वेरिएबल्स हैं 3 और इक्वेशन है कम, एक ही इक्वेशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, कुछ भी हो सकता है ना। 1 और 8 ये भी सॉल्यूशन है, 2 और 6 ये भी सॉल्यूशन है, कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, याद रखना है। अगर 3 वेरिएबल हैं और इक्वेशन 3 से कम है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, 3 वेरिएबल हैं, 3 डिफरेंट इक्वेशंस हैं तो यूनिक सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशंस निकालते कैसे हैं, पहले तो ये बेसिक सी जानकारी मिली कि इक्वेशंस और सॉल्यूशंस कैसे आएंगे। सॉल्यूशंस का मतलब जो इसको सेटिस्फाई करें, जो इस इक्वेशन को वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी वो इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे, है ना। अब बात आती है इनको सॉल्व कैसे करेंगे अपन,
तो इनको सॉल्व करने का मेथड है, दो तीन मेथड्स हैं जो अपन देखेंगे। एक सब्सटीट्यूशन मेथड होगा जो हमने टेंथ से पहले पढ़ा होगा, सब्सटीट्यूशन मेथड है ना। और एक मेथड होगा जब कोफिशियंट सेम कर देते हो आप, कोफिशियंट सेम करके माइनस कर दोगे तो एक वेरिएबल हट जाएगा, बात वही है, एक इक्वेशन एक वेरिएबल होगा तो सॉल्व कर लेंगे, वो दो मेथड हैं। एक यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मेथड, उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मेट सिखा रहा हूँ बच्चों, तो आप सब लिखिए, एक पॉइंट लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और सब ऐसे लिखिए कि इफ वी हैव इक्वेशंस, लिख लीजिए, इफ वी हैव इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू जीरो एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू जीरो। बच्चों आपको कभी भी कोई भी इक्वेशन मिले जिसमें तीन टर्म्स हों, इसको मैं बोलता हूँ पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, और उसके आगे जीरो लिखा हुआ हो, अगर ऐसी आपको इक्वेशन कोई भी मिली दो, तो आप यहाँ से एक मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उसको फॉलो करेंगे हमेशा। मतलब प्रोसेस क्या है, आप बच्चों हमेशा कोफिशियंट देखा करेंगे। कोफिशियंट क्या होता है, कोफिशियंट मतलब वेरिएबल के साथ जो लिखा हुआ है, जैसे x का कोफिशियंट है a1, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशियंट है a2। बच्चों ये a1 a2 नंबर्स होंगे, कुछ दिए होंगे आपको, है ना। दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन में y का वेरिएबल क्या है b1, और इधर y का वेरिएबल क्या है, y का कोफिशियंट क्या है b2, z का कोफिशियंट c1 और z का कोफिशियंट c2। तो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये कोफिशियंट्स हैं जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, हमेशा मैं यहां पे आपको कुछ नंबर्स लिखना सिखा रहा हूं, हमेशा x वाले कोफिशियंट्स को छुपा लेना हमेशा, ठीक है, और y वाले कोफिशियंट से लिखना चालू करेंगे और वापस y पे पहुंचेंगे। कहने का मतलब क्या है बताओ, x को छुपा लेना है हर बार, और y के कोफिशियंट क्या दिखे, b1 b2 ऐसे लिख लेने का, रेशियो वेशियो डिवाइड वाइड नहीं करना, बस b1 b2 लिख लिया, x को छुपा लिया, b1 b2 का क्या दिख रहा है, c1 c2 लिख लिया। अब वापस से b1 b2 तक आना है, b1 b2 c1 c2, अब घूम जाओ, यहां तो कुछ है नहीं, घूम के इधर आ जाओ, a1 a2 और आगे चले तो कहाँ पे आ गए, b1 b2। ये लिख लोगे क्या आप, ये तरीका है, x को छोड़ो, x को छोड़ने के बाद जो भी कोफिशियंट दिखे वो लिखते जाओ और घूम फिर के वापस से वहीं तक आओ, ऐसे कोफिशियंट लिखना है। वैसे हम मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा ये हम क्या कर रहे हैं, लेकिन अभी पढ़ा नहीं हुआ इसलिए आप डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, x को छुपा लीजिए, x को छुपाने के बाद बाकी जितने भी कोफिशियंट हैं वो लिखते चलिए और वापस से जहां से स्टार्ट किए वहीं तक आना है। तो b1 b2 लिखा, c1 c2 लिखा, फिर a1 a2 पे आए, फिर b1 b2 पे आए, यहां तक आ गए हम। इसके बाद बेटा आप क्या करेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z, ऐसे इक्वेशंस मिलेंगी तो आपको x y z ही तो निकालना पड़ेगा ना, तो आप x y z ऐसे लिख लेंगे, x के नीचे आप लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जैसे बताया था मैंने b1 को c2 से मल्टीप्लाई करना, तो b1 c2 माइनस b2 c1 माइनस b2 c1, ठीक है। फिर C1 को A2 से मल्टीप्लाई करना, C1 को A2 से मल्टीप्लाई करना, और माइनस C2A1 माइनस C2A1, समझ में आ रहा है। फिर Z के नीचे क्या लिखोगे, Z के नीचे क्या लिखोगे, A1 को B2 से मल्टीप्लाई करना, A1B2 माइनस A2B1 माइनस A2B1। तो इस तरीके से आप x, y, z की वैल्यू निकाल पाओगे, समझ रहे हो। इक्वेशंस सॉल्व करने के लिए ये मेथड बहुत यूजफुल है। कैसे इससे इक्वेशन सॉल्व होएगी वो मैं अभी एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताता हूँ, लेकिन आप सबसे पहले याद कर लें मैंने अभी जो जो बातें बताई हैं आपको। एक तो अगर दो वेरिएबल्स हैं आपके पास तो दो डिफरेंट इक्वेशंस होनी चाहिए, तब यूनिक सॉल्यूशन आएगा। वेरिएबल दो और इक्वेशन उससे कम, मतलब एक ही इक्वेशन, वेरिएबल तीन और इक्वेशन एक या इक्वेशन दो, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे आपके पास, यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। और एक मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या बताया, अगर आपके पास दो इक्वेशंस हैं जिनमें तीन टर्म्स हैं, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म,
और उसके आगे जीरो लिखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, पहले एक्स जो भी है उसको छुपा लो, उसके आगे वाली जो भी कोफिशियंट्स हैं वहाँ से कोफिशियंट लिखना चालू करो और घूम घाम के वापस से वहीं तक आ जाओ। तो मतलब b1 b2 लिखा, c1 c2 लिखा, फिर a1 a2 लिखा, फिर b1 b2 लिखा, ऐसे अपन सर्कल में घूमते जा रहे हैं और वापस से कहाँ तक आ रहे हैं, b1 b2 तक आ रहे हैं। ऐसे लिखने के बाद ये फॉर्मेट याद करना है आपको, x लिखोगे x के नीचे इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y लिखोगे माइनस y नहीं लगाना है, y लिखोगे तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, z लगाओगे तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलो अगर ये अपने को पता है तो अब अपन कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इसको देख लेते हैं सारे तरीके। आओ बच्चों एक क्वेश्चन लिखो इसमें आप, मैं इक्वेशंस जो हैं ये इक्वेशन आपको दी हुई है, क्वेश्चन लिखेंगे सब। क्वेश्चन में आप ये लिखिए बच्चों इसमें कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। क्वेश्चन में आप लिख लीजिए कि फाइंड एक्स एंड वाई, इक्वेशन ये आपको दी हुई है 2x-3y = 8, 3x-4y = -5। ये दो इक्वेशन बेटा जी आपको दी हुई हैं, हमें इसका आंसर निकालना है। आंसर निकालने के लिए पहले ये बताओ क्या x और y दो वेरिएबल्स हैं। हाँ दो वेरिएबल्स हैं, लिख लिया मैंने साइड में दो वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स मतलब जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं, x और y वेरिएबल्स हैं। और क्या ये अलग अलग इक्वेशंस हैं? हाँ ये अलग अलग इक्वेशंस ही दिख रही हैं मेरे को, ऐसा तो नहीं है ना इसमें कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी, नहीं बन पाएगी। तो दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशंस हैं, इसलिए आपके पास क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। इसलिए आपके पास क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, एक्स की और वाई की वैल्यू कुछ यूनिक आ रही होगी। अच्छा अब बात आती है कि कैसे निकाले सॉल्यूशंस, तो आओ मैं वाइट पेन से सॉल्यूशन निकालता हूँ। तो अलग अलग तरीके बच्चों, अलग अलग मेथड आने चाहिए आपको। फर्स्ट मेथड क्या आना चाहिए आपको, फर्स्ट मेथड आना चाहिए आपको सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है, किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में रख दीजिए। देखिए एक इक्वेशन और एक वेरिएबल सॉल्व हो सकता है ना, यही इसके पीछे लॉजिक है सब्स्टिट्यूशन के पीछे, मैं बताने का प्रयास करता हूँ। बताइए इसको अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल दूँ बेटा और इसको अगर मैं सेकंड इक्वेशन बोल दूँ, तो बताओ मेरे को बाय फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से आप 2x की वैल्यू कितनी निकालोगे, 2x = 8-3y, इनफैक्ट 8+3y, ये -3y इधर जाएगा तो 8+3y आ जाएगा, ये 2x की वैल्यू आएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8+3y/2। क्या ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए सेकेंड इक्वेशन में, इससे फ़ायदा क्या होगा। अगर x की वैल्यू आप यहाँ पे लिख देंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, बाय सेकेंड इक्वेशन, बाय सेकेंड इक्वेशन व्हाट यू विल हैव, 3 times x, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, तो x को यहाँ पे रखेंगे तो 8+3y/2, ये x आ गया, आगे क्या है, -4y = -5। देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ सब्स्टिट्यूशन से, एक ही इक्वेशन रह गई लेकिन वेरिएबल भी एक है, एक ही इक्वेशन है और वेरिएबल भी एक ही है, वाई वेरिएबल है, तो क्या यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, आ जाएगा, और कुछ करना भी नहीं है, समझ रहे हो क्या। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करता है, एक इक्वेशन और एक वेरिएबल में रिड्यूस कर देता है प्रॉब्लम को, जिससे आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। सॉल्यूशन निकालना कोई बड़ी बात है नहीं, कैलकुलेशंस वो आपकी शानदार हैं ही, उनको करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बोलिए 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 8 कितना हो गया 24, और +3 9y आ गया, अपॉन 2 -4y = -5, ठीक है। 24 लिखा हुआ है तो 3 8 24, ये आप ठीक से लिख लेना इसमें, तो 3 8 24 और 3 3 9y आ जाएगा, अपॉन 2 -4y - -5 है, 2 का एलसीएम ले लीजिए बच्चों, ये कितना आ जाएगा 24+9y - 8y, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा -8y, ये 2 इधर जाएगा तो -10, ठीक है। कितना आ गया ये यहाँ से, ये 9y - 8y कितना हो गया, 9y - 8y आ गया, ये 9y - 8y, यानी ये कितना आ गया, y आ गया, और y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये इधर जाएगा तो ये आ जाएगा -34,
y की वैल्यू आ जाएगी -34 के बराबर। सब्स्टिट्यूशन मेथड से y की वैल्यू कितनी आई है -34। अगर y की वैल्यू -34 आई है तो आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो x की वैल्यू? ये यहाँ पे x प्लस 3y/2, इससे आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। वो कैसे आ जाएगी बताओ? x की वैल्यू कितनी थी? x की वैल्यू आई है आपके पास, x की वैल्यू आई है 8 + 3y/2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 8 + 3 × -34/2, ठीक है? ये आ जाएगी अपने पास। तो यहाँ से आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x इक्वल्स टू 8, ये टोटल नीचे ही है, और माइनस मल्टीप्लाई करो 3 × 4 = 12 आ जाएगा, और 3 × 3 = 9 × 1 = 10, 102/2 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा? 102 में से 8 जाएगा, तो -94/2 -94/2 आ जाएगा, ठीक है? और इससे आंसर आ जाएगा माइनस, ये 2 से इसे कैंसिल करोगे, 2 × 4 = 8 -47। तो x की वैल्यू आ जाएगी -47, x की वैल्यू -47, y की वैल्यू -34, ठीक है? तो बच्चों ये इसके यूनिक सॉल्यूशंस आ जाएंगे, तो इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से? -47, x की वैल्यू -47 और y की वैल्यू आ रही है -34, ठीक है? तो ये x और y की वैल्यू आ रही है अपने पास, 34 आ जाएगा ये। तो ये x की वैल्यू और y की वैल्यूज ये अपने पास आ गई है, -47 -34। यूनिक इक्वेशंस, मतलब यूनिक सॉल्यूशंस आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास दो अलग अलग इक्वेशंस थी, इसलिए x और y के सॉल्यूशंस भी यूनिक आ रहे हैं। अब करने में एक और मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं अपन, ठीक है? वो मेथड क्या होगा? वो मेथड ये होगा कि आप कोफिशियंट्स सेम बना लो। उसके लिए दूसरा सवाल ले लेते हैं अपन, है ना? और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का एक नया मेथड भी सॉल्व करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये पहला मेथड है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या है, किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के किसी दूसरी इक्वेशन में डाल दीजिए, x या y की, उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, और ये मेथड हमने 10 से पहले पढ़ा हुआ है। चलिए एक और क्वेश्चन बच्चों अपन देख लेते हैं इसी में, आप इसी में एक और क्वेश्चन देख लीजिए, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन वो आप लिखिए बच्चों। अगले क्वेश्चन में आप लिखिए फाइंड x एंड y। चलिए फाइंड x एंड y, अब ये x और y की वैल्यू निकालनी है अपने को। इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं आपको तीनों मेथड्स बता देता हूँ, ठीक है? सब्स्टिट्यूशन का मेथड, कोफिशियंट सेम करने का मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड। तो इसमें अगर मैं फर्स्ट मेथड की बात करूँ, चलिए सबसे पहले फर्स्ट मेथड, तो फर्स्ट मेथड आता है बच्चों सब्स्टिट्यूशन का। सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो अगर दो इक्वेशंस हैं ना और दो वेरिएबल हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड वेल एंड गुड है, आसानी से आ जाएगा। जैसे कि आप पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन से, या चलिए सेकंड इक्वेशन ही ले लेते हैं, बाय सेकंड इक्वेशन x की वैल्यू 5 - y आ जाएगी, x की वैल्यू 5 - y आ जाएगी। और बाय फर्स्ट इक्वेशन में इसको अगर मैं रख देता, तो फर्स्ट इक्वेशन में 2 × x की जगह क्या लिखा हुआ है? 5 - y - 3y = 5। 2x की जगह क्या है? 5 - y - 3y = 5। बोलो सॉल्व करो, ये कितना आया? 10 - 2y, 2 मल्टीप्लाई हुआ, -3y = 5। -3y = 5, बोलिए यहाँ से क्या दिख रहा है बच्चों आपको? यहाँ से ये -2y - 3y - 5y - 5y = -5, क्योंकि ये 10 इधर जाएगा, तो 5 - 10 कितना हो जाएगा? -5। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 1 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू 1 यहाँ पे डालोगे, यहाँ पे y की वैल्यू 1 डालो, तो 5 - 1, x की वैल्यू 4 आ जाएगी, y1 और x4। ये बच्चों फर्स्ट मेथड था। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हो? इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है? इसी में बच्चों एक और मेथड आता है, इसी में हम एक सेकंड मेथड और देखेंगे। सेकंड मेथड आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? कोफिशिएंट्स सेम बना के, ठीक है? बाय मेकिंग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स सेम, ये भी एक मेथड है, ये भी 10 से पहले आ जाता है।
जैसे अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ, क्या क्या इक्वेशन दी गई थी बताओ मेरे को, इक्वेशन क्या क्या थी अपने पास? 2x minus 3y equals to 5 एंड एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5। चलो ये इक्वेशन हमें दी गई थी। अगर ये इक्वेशन हमें दी गई है तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? इनके किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशियंट सेम बना दो। सेम मतलब बताओ, जैसे यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2x बनाने का प्रयास करो। 2 कैसे बनाओगे? आप नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए दूसरे रंग से इसको कर दिया है, पन्ने में शो कर दिया है। अदरवाइज 2 को आप डिवाइड करोगे तो वही इक्वेशन आ जाएगी। इसको 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से फ़ायदा क्या होगा? अब अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा तो एक इक्वेशन एक वेरिएबल आ जाएगा। जैसे मैं इधर माइनस लगा देता हूँ, माइनस लगाने का मतलब क्या है? पहली वाली इक्वेशन में से दूसरी वाली इक्वेशन को माइनस कर रहा हूँ। 2x minus 2x 0 आ जाएगा बेटा। ये -3y minus 2y minus 5y आ जाएगा, और 5 minus 10 minus 5 आ जाएगा। ये 5 था, 5 minus 10 minus 5, y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। y की वैल्यू 1 आप किसी भी इक्वेशन में डालेंगे, y की वैल्यू 1 अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में डालते, बताइए -3 into 1 कितना होता? -3 इधर जाके 5 और 3 8 होता, और 8 को जब आप 2 से डिवाइड करते तो x की वैल्यू 4 आ जाती, जो पहले भी आई थी। ठीक है, उसको भी मैं सॉल्व करके बता देता हूँ कि कैसे x की वैल्यू आई। हमने वापस से ये इक्वेशन लिखी, ये इक्वेशन क्या थी? 2x minus 3y equals to 5। y की जगह मैंने क्या डाल दिया? 1 डाल दिया। यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 8, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। x4 और y1, क्योंकि दो इक्वेशंस दो वेरिएबल्स थे इसलिए आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, जो कि मिल रहा है। बच्चों ये सारे मेथड्स हमने 10 से पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है। और अगर दो इक्वेशंस मिलती हैं, दो वेरिएबल्स मिलते हैं, तो इन दोनों में से कोई भी एक मेथड लगा के आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। लेकिन हम अब क्या है कि जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर आएंगे 3 इक्वेशंस, 3 वेरिएबल्स, तो आप उनको कैसे सॉल्व करोगे? इसलिए मैं आपको थर्ड मेथड बताता हूँ इसका। अपन इसका लिखते हैं एक थर्ड मेथड। तो जो थर्ड मेथड है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में करना क्या है, आपको मैंने फॉर्मेट बताया ही था, आप इक्वेशंस लिख लो। इक्वेशन क्या थी? 2x minus 3y equals to 5, 2x minus 3y equals to 5, 2x minus 3y equals to 5। इक्वेशन सही से लिख लेना, इक्वेशन गलत लिखोगे आंसर भी गलत आने लग जाएंगे। 2x minus 3y equals to 5, और क्या है? x plus y equals to 5। चलिए, तो ये दो इक्वेशंस आपको दी गई हैं और इनको सॉल्व अब कैसे किया जाए? तो बच्चों मैंने आपको अभी कुछ देर पहले एक तरीका, एक फॉर्मेट बताया था, उस फॉर्मेट में इनको लिख लो। इनको लिखेंगे कैसे? ऐसे लिख लेता हूँ मैं। फर्स्ट इक्वेशन को लिखूंगा 2x minus 3y minus 5 equals to 0। 5 को भी इधर ले आओ, और इसको क्या लिखो? x plus y minus 5 equals to 0। फिर कोफिशियंट से खेलो। मैंने आपको कोफिशियंट्स का फॉर्मेट बताया था, कोफिशियंट मतलब एक्स वाई जेड के साथ जो भी लिखा हुआ है, इनको छुपा लो। बताओ वाई के साथ क्या लिखा हुआ है? -3। वाई के साथ क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो 1। बच्चों यहाँ पे जेड होता था, कोई बात नहीं, जेड नहीं भी है तो चलेगा, बट तीन टर्म्स होनी चाहिए बस उस तरीके में, तीन टर्म्स और आगे जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे कोफिशियंट क्या है? -5 -5, तो -5 -5, वो कॉन्स्टेंट ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर हम कोफिशियंट ऐसे घूम घुमा के वापस वहीं तक आते थे, पहले इसको छुपा लेते थे। बताया था ना मैं कुछ देर पहले, a1 b1 c1, वही बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे z नहीं है, कंफ्यूज नहीं होने का, z नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तो बस कोफिशियंट लिखते चलो। -3 plus 1 -5 -5, फिर घूम के इधर आए तो 2 और 1 2 और 1, और फिर जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर आ गए -3 और 1। ये लिखना बताया था आपको। इसको लिखने के बाद अपन क्या लिखते थे? इसको लिखने के बाद अपन लिखते थे x y और z। बच्चों z तो यहाँ पे है नहीं, तो z की जगह 1 मान सकते हो क्या आप? 5 into 1 लिखा हुआ था, 5 into 1 है ना, तो z की जगह आप क्या मान सकते थे? 1 लिखा हुआ है यहाँ पे,
अगर जेड होता तो जेड लिख देते वहां पे, बताया था ना आपको एक्स वाई जेड, तो ये मैंने एक्स वाई जेड लिखा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे, माइनस थ्री को माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस थ्री इंटू माइनस फाइव फिफ्टीन हो जाएगा क्या, माइनस माइनस प्लस थ्री फाइव या फिफ्टीन, माइनस लगाते थे, वन को माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करोगे माइनस फाइव, करेक्ट। फिर y को क्या लिखोगे, माइनस फाइव को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फाइव, माइनस खुद से लगाएंगे, और फिर माइनस फाइव को टू से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टेन आएगा कि नहीं आएगा, माइनस फाइव को टू से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टेन, वन के नीचे क्या आएगा, वन के नीचे तुम टू को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो टू माइनस, और वन को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस थ्री, ठीक है। देखो आंसर कैसे आ जाएगा, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स अपॉन ट्वेंटी, 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा, x अपॉन 20, ये कितना आ जाएगा, y अपॉन 5 आ जाएगा ये शायद, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 10, 10 माइनस 5, 5 आ जाएगा, और 1 अपॉन 5। बच्चों यहाँ से भी वही सॉल्यूशन आना चाहिए, आप कोई भी दो इक्वेशंस को देख लो, पहले हम इन दोनों को अगर इक्वेट करें, y बाय 5 इक्वल्स टू 1 बाय 5, 5 से 5 कैंसिल हुआ, क्या y की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 1 ही आ रही थी, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 4 आ रही थी ना, देख लो y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 4 आ रही थी कि नहीं आ रही थी, y की वैल्यू 1 x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1 x की वैल्यू 4, पहले मेथड्स में भी यही आई थी, अभी भी यही आएगी, क्योंकि दो इक्वेशंस दो वेरिएबल्स हैं तो यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा चाहे तरीका कुछ भी हो। चलिए और क्या करें, हम इन दोनों इक्वेशंस को, इसको और इसको अगर इक्वेट करते तो x बाय 20 की वैल्यू 1 बाय 5 है, 20 को उधर ले जाओगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। आ रहा है क्या समझ में, अपने को तीन तरीके बता दिए हैं मैंने, सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करके माइनस कर लो ऐसा कुछ कैलकुलेशंस कर लो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बच्चों दो इक्वेशन और दो वेरिएबल आए ना, जैसे ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए आपके पास, है ना, अब ये क्या है, ये बहुत जल्दी है तो लिखने में मैंने समय बर्बाद किया है, बहुत जल्दी ये सब लिखने से बेटर है आप यहीं पर एक्स लिखो, एक्स के नीचे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, फिर y लिखो, y के नीचे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो मेंटली भी हो सकता है समय कम लगेगा, लेकिन मेरी एडवाइस क्या है, अगर आपके पास दो इक्वेशंस और दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशंस और दो वेरिएबल्स हैं, तो ये मैं यहाँ पे ज्ञान दे देता हूँ आपको, यहाँ पे मैं मेरी एडवाइस दे देता हूँ कि अगर दो इक्वेशंस दो वेरिएबल हैं तो आप फर्स्ट और सेकेंड मेथड यूज़ करें, फर्स्ट एंड सेकेंड मेथड, इससे काम चल जाएगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड वो आसान पड़ जाएगा, या आप इनमें कोफिशिएंट सेम बना के माइनस कर लो, समझ रहे हो, तो अगर दो इक्वेशन दो वेरिएबल है तो आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना फर्स्ट सेकेंड मेथड से, लेकिन अगर तीन वेरिएबल्स की इक्वेशन आ गई तो जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला नया मेथड आज आपने सीखा है उससे बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। जैसे कि आप एक क्वेश्चन लिखो, अगले क्वेश्चन में आप ये लिखो बच्चों, एक क्वेश्चन में आप ये लिखो, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, क्वेश्चन में लिख लीजिए फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड, फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड, तो ये इक्वेशन दे रखी है अपने को एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड कर सकते थे कि यहाँ से एक्स की वैल्यू वाई जेड में निकाल के यहाँ पे रखते तो ये इक्वेशन केवल वाई जेड में बन जाती, एक्स की जगह भी वाई और जेड में आ जाता, अब ये वाई और जेड की इक्वेशन आ गई है तो इसमें वाई इन टर्म्स ऑफ जेड निकालते और वो यहाँ पे रखते, बहुत लंबा मेथड चला जाता। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से देखो कैसे जल्दी जल्दी आएगा इसका आंसर। चलो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड जब भी लगाएं तो उसमें जनहित में जारी सूचना है भैया, जनहित में जारी सूचना ये है कि तीन टर्म्स होनी चाहिए और उसके आगे जीरो आना चाहिए, तीन टर्म्स होनी चाहिए और उसके आगे जीरो आना चाहिए, याद रखना वो A1, B1, C1 और आगे जीरो था, A2, B2, C2 और आगे जीरो था, भूल गए क्या, भूल गए मेरे बच्चे, तो भूल गए सब, तो मैं आपको ये वापस से दिखा देता हूँ, ये देखो ये री इक्वेशन A1x, B1y, C1z, जीरो, समझ रहे हो, तीन टर्म्स होनी चाहिए उसके आगे जीरो, तीन टर्म्स होनी चाहिए उसके आगे जीरो, तभी ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वर्क करता है। मेरे पास जब दो इक्वेशन की वेरिएबल थी, है ना, दो वेरिएबल्स की इक्वेशन थी, तब भी मैंने इसको कैसे लगाया था, इन दोनों इक्वेशंस को मैंने कैसे लिख लिया था, ये दोनों टर्म्स इधर ले आया मैं, तो मेरे पास तीन टर्म्स बन गई और उसके आगे जीरो आने लग गया, तभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगता है। अब ये जो अपने से क्वेश्चन
पूछा हुआ है, इनमें ये जो दोनों इक्वेशंस है बेटा, ये जो दोनों इक्वेशंस दिख रही है ना, ये दोनों इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लग सकता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीन टर्म्स हैं और आगे क्या है, जीरो है। केवल इन दोनों के लिए अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते हैं, ठीक है। और फिर तीसरी इक्वेशन का यूज करके आंसर भी आ जाएगा। कैसे आएगा वो मैं बताता हूँ। बताओ मेरे को कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या सीखे हो आप? एक्स को तो छुपा लो, एक्स को छुपाने के बाद चालू हो जाओ, और चालू कैसे होना है, कोफिशेंट लिख दो माइनस थ्री और टू। एक्स को छुपा लिया, क्या है माइनस थ्री और टू, इसके आगे क्या है फोर और माइनस सिक्स, फोर और माइनस सिक्स, ठीक है, ध्यान से लिख लेना। फिर इसके आगे घूम के वापस से एक्स पे आ गए तो टू और सेवन, टू और सेवन, और वापस से स्टार्ट कहाँ से हुए थे, माइनस थ्री और टू, माइनस थ्री और टू। अब तो ये तो लिखना आ गया होगा, हमेशा तीन टर्म्स चाहिए अपने को, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लग जाएगा। पहली जो भी वेरिएबल्स हैं उनको छुपा लो आप और चालू हो जाओ इसके आगे से, है ना, घूम के वापस वहीं पे आ जाना जहाँ से स्टार्ट किया था, माइनस थ्री टू, फोर माइनस सिक्स, टू और सेवन, और माइनस थ्री और टू, ठीक है। इसके बाद क्या करते थे, इसके बाद हम लिखते थे x, y और z, क्योंकि यहाँ पे x, y, z है, अगर z नहीं होता, कांस्टेंट होता, z की जगह 1 होता तो 1 लिख रहे होते। तो हमने क्या किया इसके आगे, इसके आगे हमने लिखा x और y और z, इसके आगे हमने लिखा x, y और z। अब क्या करेंगे, x के नीचे क्या लिखेंगे, माइनस थ्री को माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई करो, माइनस थ्री और माइनस सिक्स कितना हो गया, थ्री सिक्स 18 हो गया, माइनस टू इंटू फोर, टू इंटू फोर कितना हो गया, एट, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर क्या करोगे, फोर को सेवन से मल्टीप्लाई करो, फोर सेवन जा कितना हो जाएगा, ट्वेंटी एट, माइनस माइनस सिक्स को टू से मल्टीप्लाई करो, माइनस सिक्स और टू माइनस ट्वेल्व, माइनस सिक्स और टू माइनस ट्वेल्व। अब जेड के नीचे क्या लिखेंगे, टू को टू से मल्टीप्लाई करो, फोर माइनस, और सेवन को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करोगे, सेवन को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस ट्वेंटी वन, ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ से आपके पास बन जाएगा x बाय टेन, एक्स बाय टेन आ गया, ये कितना आ गया, y बाय, ये 28 प्लस 12, ये तो 40 हो गया शायद, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इक्वल्स टू z बाय 25, z बाय 25, z बाय 25, ठीक है, ये आ गया। इसको तुम थोड़ा सा कांस्टेंट, जैसे 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे इसे आप क्या लिख सकते थे, x बाय 2, y बाय 8 और z बाय 5, x बाय 2, y बाय 8, z बाय 5, ये सब बराबर है। अब बच्चों ज्ञान की बात सुनो, जब भी आपके पास एक से ज़्यादा इक्वल टू के साइन आ जाएं, x बाय 2, y बाय 8, z बाय 5, ये फिजिक्स में भी आता है, लामीज थ्योरम पढ़ते हैं अपन तब भी आता है, मैथ्स में भी बताएंगे आपको। तो एक्चुअली क्या है, जब भी एक से ज़्यादा इक्वल टू के साइन आ जाएं, तो आप k मेथड लगाएंगे। k मेथड मतलब दिस इज इक्वल टू k, इसको k के बराबर कर लेंगे। अगर इसको k के बराबर करेंगे तो इससे फ़ायदा क्या मिलता है बच्चों अपने को, अपन x की वैल्यू 2k लिख सकते हैं क्या, क्योंकि जब x बाय 2 को k के बराबर मानोगे तो x इक्वल टू 2k आ जाएगा। y की वैल्यू 8k आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, क्योंकि y बाय 8 को k के बराबर मानोगे, z बाय 5 को k के बराबर मानोगे तो z इक्वल टू 5k आ जाएगा। k मेथड लगाने का, क्या ये x y z की वैल्यू आ गई? अब बच्चों ये बताओ कि अभी मैंने किन इक्वेशंस को सॉल्व किया था, अभी मैंने किन इक्वेशंस को सॉल्व किया था, अभी मैंने केवल इन दो इक्वेशंस को सॉल्व किया था। अगर मान लो केवल ये दो ही इक्वेशंस दी होती, है ना, और वेरिएबल्स x, y, z तीन होते, तो बताओ अगर दो इक्वेशंस हैं, वेरिएबल्स तीन हैं, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था ना कि जब वेरिएबल्स ज़्यादा होते हैं, इक्वेशन कम होती है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। मान लीजिए ये थर्ड इक्वेशन नहीं दी होती, तो बेटा इन इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते कैसे? ये आइए ना आपके पास x की वैल्यू, अब k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वन डालोगे तो एक सॉल्यूशन मिलेगा, टू डालोगे दूसरा सॉल्यूशन मिलेगा, थ्री डालोगे तीसरा सॉल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे आपके पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीसरी इक्वेशन भी तो दी गई है, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल। अब करना क्या है, इस तीसरी इक्वेशन में वो x, y, z की वैल्यू डाल देंगे तो k की यूनिक वैल्यू आएगी, k की एक ही वैल्यू आएगी, और k की एक वैल्यू आएगी तो x, y, z की भी एक ही वैल्यू आएगी। तो तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल थे इसलिए यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तीसरी इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं एक बार, 4x plus 3y plus z, 4x plus 3y plus z, 4x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 37, ये दिया हुआ है, इसमें ये वैल्यूज रख दो। बोलो x की जगह क्या लिखोगे, 4 इंटू 2 के
x की जगह 2k 3 और y की जगह 8k और प्लस z की जगह 5k। इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 37 के बराबर है। ठीक है, तो सॉल्व कर लो इसे। 4 टू जा कितना हो जाएगा? 8k प्लस 3 एट जा 24k, 4 टू जा 8k, 3 एट जा 24k प्लस 5k इक्वल्स टू 37। बच्चों 24 और 8 कितना होता? 24 और 8 होता 32, 32 और 5 37, तो 37 के इक्वल्स टू 37, यानी k की वैल्यू 1। अगर k की वैल्यू 1 आ गई तो इसका मतलब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 8, z की वैल्यू 5 है ना। के की जगह यहाँ 1 रख दिया, के की जगह अगर इधर 1 रख दोगे तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 8, z की वैल्यू 5 मिल जाएगी, यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। समझ रहे हो कितनी आसानी से आ गया ये? सब्स्टिट्यूशन मेथड से आसान है ये मेथड। कब? जब आपके पास तीन इक्वेशंस हों और तीन वेरिएबल्स हों तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड आप लगा सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पे जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड लगाओगे तो तीन टर्म्स आनी चाहिए, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म। ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, इसमें भी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, इसके आगे जीरो आना चाहिए। इन दोनों इक्वेशन से आपके पास एक्स वाई जेड में एक रिलेशन आ जाएगा और वो आप नेक्स्ट इक्वेशन में अगर रखेंगे तो आपके पास सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, बहुत बेसिक से क्लास चल रही है, आराम से धीरे धीरे देखो, समझ में आ जाएगा। आओ इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन, जिसमें आप इसको और सॉल्व कर लो। चलो आप इसी में मेरे को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एक और क्वेश्चन बताओ। ये रहा क्वेश्चन बच्चों, आप इक्वेशन दी हुई है, क्वेश्चन में लिख लीजिए, क्वेश्चन में आप लिखिए फाइंड एक्स वाई एंड जेड। क्वेश्चन ने दिया हुआ है फाइंड एक्स वाई एंड जेड। इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब आप x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दो तो ये इक्वेशन y और z में बन जाएगी, फिर y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ z निकाल के सब यहाँ पे रख देना, इक्वेशन सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा लंबा चला जाएगा। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीख रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में लास्ट बार मैं बता रहा हूँ आज की क्लास में, देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऐसी आनी चाहिए। इक्वेशन आनी चाहिए थी वेरिएबल्स के फॉर्म में, तीन वेरिएबल्स या तीन टर्म्स आनी चाहिए थी जिसके आगे नेक्स्ट जीरो होना चाहिए था, तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एक्स वाई जेड निकाला जा सकता है। ठीक है, तो देख लीजिए क्या हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है वो इस कंडीशन को फॉलो कर रही है। हाँ, हमारे पास तीन टर्म्स हैं और आगे जीरो है सभी में। कोई भी दो इक्वेशन चुन ले, कोई भी दो इक्वेशन चुन लेते हैं, तो कौन सी दो इक्वेशन? चलिए ये दोनों से मेरे को प्यारी इक्वेशंस लगी, इन दोनों पे मैं लगाऊंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला रूल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले रूल का मतलब क्या होता है? कोफिशियंट लिखना। कोफिशियंट कैसे लिखते हैं बेटा जी? x को छुपाइए, y को लिखिए 2 और माइनस 1। x को छुपाइए और y को लिखिए 2 और माइनस 1। फिर y के आगे z को क्या लिखेंगे? 3 और माइनस 1। z को क्या लिखेंगे? 3 और माइनस 1। फिर घूम के x, x के साथ 1 और 1 लिखा हुआ है तो लिखेंगे 1 और 1। और फिर जहां से स्टार्ट किया था 2 और माइनस 1। बच्चों ऐसा मानिए ये घूम के वहीं पे आ रहे हैं। कई बार बता दिया मैंने, x को छुपा लो और y से लिखो और घूम फिर के वापस से y तक आओ, है ना। तो ऐसे अपन सर्कल बना रहे हैं कोफिशियंट्स का, ये 2 और माइनस 1, 3 और माइनस 1, फिर 1 और 1 और 2 और माइनस 1। इसके बाद क्या करते थे अपन? इसके बाद हम सर एक्स वाई जेड को याद करते थे। बिल्कुल सही है बेटा, एक्स वाई जेड को याद करते थे। तो एक्स वाई जेड को याद कर लिया हमने, इसके बाद क्या करते थे? क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते थे तो माइनस 2, माइनस खुद से लगाते थे, माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3। वाई के नीचे क्या लिखते थे? 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, माइनस, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1। फिर क्या करते थे? जेड को लिखते थे, 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1, माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2। तो क्या बन गया यहाँ से? यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आई x इक्वल्स टू
मतलब x अपॉन ये कितना हो गया, 1 आ गया शायद ही, क्योंकि माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 1 आ गया, y के नीचे 4 आ गया शायद, 3 प्लस 1 4 आ गया, ये कितना आ गया माइनस 1 माइनस 2, z के नीचे माइनस 3। ठीक है, जब भी एक से ज़्यादा इक्वल टू हैं तो आप के मेथड पे जाएंगे, इसको बेटा के बराबर कर ले, अगर के बराबर करता है तो तेरे को x क्या मिलेगा, x की वैल्यू k मिलेगी, क्यों, x बाय वन को के बराबर करेगा तो x की वैल्यू k, y की वैल्यू 4k मिलेगी कि नहीं मिलेगी, 4k, z की वैल्यू माइनस 3k, z की वैल्यू माइनस 3k। अगर अब यहाँ से सारी चीज़ें मतलब रटने की चीज़ नहीं है, मैथ्स में यही मैं बोल रहा हूँ, बार बार आप समझ लो चीज़ें, अगर केवल ये दो इक्वेशंस होती तो सर ने हमें बोला था अगर दो इक्वेशंस हैं और वेरिएबल्स उनसे ज़्यादा हैं तो हमेशा इन्फाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, अगर ये तीसरी इक्वेशन मैंने हटा दी होती तो हमें इन्फाइनाइट सॉल्यूशन मिलते, क्यों इन्फाइनाइट सॉल्यूशन मिलते, क्योंकि यार के की वैल्यू कुछ भी डाल दो, एक्स वाई जेड की बहुत सारी वैल्यूज मिलेगी, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, लेकिन यहाँ पे तीसरी इक्वेशन भी है, क्या है तीसरी इक्वेशन, 2x माइनस 3y प्लस 2z, 2x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 0। तो अपने पास ये इक्वेशन और है, इस इक्वेशन में ये वैल्यूज रख दो, इस इक्वेशन में ये वैल्यूज रखते अगर अपन x की जगह k रखता तो 2k माइनस 3, y की जगह क्या रखता, y की जगह रखता 4k, y की जगह क्या आ जाता 4k, ठीक है, और 2 और z की जगह क्या आ जाता, z की जगह आ जाता माइनस 3k, माइनस 3k, ठीक है, 2x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 0। तो ये बताओ मेरे को यहाँ से ये क्या आ गया, 2k माइनस ये कितना आया, 2k माइनस 12k माइनस 6k इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास 2k ये कितना हो गया माइनस 18, माइनस 18 और 2 कितना होता है, माइनस 18 और 2 ये होता है माइनस 16k इक्वल्स टू 0, यानी k की वैल्यू 0 आ जाएगी। और अगर k की वैल्यू 0 आ रही है तो k की वैल्यू 0 अगर इन सब में डालोगे तो k की वैल्यू 0 इन सब में डालोगे तो x भी 0 आ जाएगा, y भी 0 आ जाएगा, z भी 0 आ जाएगा। तीन इक्वेशंस हैं, तीन वेरिएबल्स हैं, यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। तीन इक्वेशंस हैं, तीन वेरिएबल हैं, इसलिए आपको इसमें क्या मिल जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, अपने पास जितने वेरिएबल्स हों, अगर उतनी डिफरेंट इक्वेशंस होंगी, जितने वेरिएबल्स हों उतनी डिफरेंट इक्वेशंस होंगी तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तीन वेरिएबल थे, तीन डिफरेंट इक्वेशंस थी, यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा एक्स वाई जेड जीरो, है ना, वो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है कैसे भी आप इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो, इसमें और कुछ बात है नहीं। आओ एक अच्छा सवाल मैं दे देता हूँ ये देखने के लिए कि कितना आपको समझ में आया है। ठीक है, इसमें आप यही इक्वेशन है बच्चों, इन इक्वेशंस को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको दे देता हूँ क्वेश्चन, आप मेरे को प्रयास करेंगे आंसर बताने का। लिख लीजिए, एक क्वेश्चन में ये लिखिए, अच्छा सवाल है ये, क्वेश्चन में लिखिए फाइंड एक्स वाई एंड जेड, क्वेश्चन है फाइंड एक्स वाई एंड जेड, और आपको दिया हुआ है एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल्स टू जीरो, है ना, इक्वेशन थोड़ी सी चेंज कर दी, एक्स माइनस टू वाई कर दिया यहाँ पे प्लस थ्री जेड, दूसरी इक्वेशन को चलो एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू जीरो, और अगली इक्वेशन थी टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस टू जेड इक्वल्स टू जीरो, सेकेंड थर्ड इक्वेशन मतलब कोई चेंज नहीं की मैंने। ठीक है, ये आपको इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना बेटा आपको, फाइंड एक्स वाई एंड जेड, फाइंड एक्स वाई एंड जेड ये निकालना है। आओ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, इसको बिल्कुल साइड में कर दिया अपन ने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाते हैं, बताने का प्रयास करना। कोई बताना चाहेगा कि कितने सॉल्यूशंस होंगे, कि इनफाइनाइट होंगे, यूनिक होंगे, तीन इक्वेशंस तीन वेरिएबल तो यूनिक सॉल्यूशन होने चाहिए, ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोग बोल रहे हो, या किसी ने कुछ दिमाग लगाया, कुछ और भी बोला हो। बच्चों ये बताओ यहाँ पे अपन मेथड से चलते हैं, जो आंसर आएगा फिर जो अपन ने कुछ थोड़ी बहुत बातें कही थी उनको अपन जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। आओ इन दोनों इक्वेशंस को पहले सॉल्व करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते थे, कोफिशिएंट लिखते थे, एक्स को छुपा लो, वाई में क्या लिखोगे, माइनस टू
माइनस वन, वाई में लिखोगे माइनस टू माइनस वन, जेड में लिखोगे थ्री माइनस वन, जेड में लिखोगे थ्री माइनस वन, फिर जीरो जीरो है, घूम के एक्स पे आए तो वन वन, और वाई में लिखोगे माइनस टू माइनस वन, माइनस टू माइनस वन, ठीक है। फिर आप लिखो एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, बताओ मेरे को एक्स के नीचे क्या लिखोगे, एक्स के नीचे माइनस टू को माइनस वन से मल्टीप्लाई किए तो टू, माइनस टू माइनस, और माइनस वन को थ्री से मल्टीप्लाई किए तो माइनस थ्री। वाई के नीचे क्या लिखोगे, थ्री को वन से मल्टीप्लाई करोगे थ्री माइनस, और वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे माइनस वन। जेड के नीचे क्या लिखोगे, वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वन, वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे माइनस वन, माइनस माइनस टू, वन को माइनस टू से मल्टीप्लाई करोगे माइनस टू आएगा। क्या आ गया ये अपने पास आ गया एक्स अपॉन फाइव इक्वल्स टू वाई अपॉन फोर इक्वल्स टू जेड अपॉन वन शायद, है ना, क्योंकि माइनस टू माइनस वन और प्लस टू ये आ जाएगा, इधर थ्री प्लस वन हो जाएगा। जब भी एक से ज़्यादा इक्वल टू आए के मेथड लगाओ, अगर यहाँ पे के मेथड लगाते आप तो यहाँ से आपको क्या मिलता, यहाँ से आपको मिलता एक्स इक्वल्स टू फाइव के, वाई इक्वल्स टू फोर के और जेड इक्वल्स टू के, मिलता कि नहीं मिलता। अपन एक्स बाय फाइव को के बराबर करते हैं, एक्स इक्वल्स टू फाइव के, वाई बाय फोर को के, तो वाई फोर के, जेड की वैल्यू के, ये वैल्यू आ जाती। इसको थर्ड इक्वेशन में रख दो, ये थर्ड इक्वेशन है, इस थर्ड इक्वेशन में अगर आप रखते तो क्या मिलता आपको बताओ, इस थर्ड इक्वेशन में आपको वैल्यू क्या मिलती, टू इंटू फाइव के माइनस थ्री इंटू फोर के प्लस टू इंटू के इक्वल्स टू जीरो। यही तो करते थे ना, पहली दो इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल कब लगता है, तीन टर्म्स होनी चाहिए उसके आगे जीरो होना चाहिए, तो वो हमने आपको बता दिया है। अब ये के वाली टर्म्स मैंने यहाँ पे रखी, टू और एक्स की जगह फाइव के, माइनस थ्री और वाई की जगह फोर के, टू और जेड की जगह के, बताओ ये कितना आ जाएगा, टू इंटू फाइव मतलब टेन के, माइनस ट्वेल्व के प्लस टू के इक्वल्स टू जीरो, आ रही है। तो यहाँ पे आएगा क्या बताओ, अब बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, अब ये क्वेश्चन बन चुका है अच्छे लेवल का, बिल्कुल आईआईटी लेवल का, बताओ मेरे को। अब इसे कैंसिल मत कर देना, जीरो बराबर जीरो मत ले आना, अपने को तो के की वैल्यू चाहिए ना, तो के कॉमन ले लो, के कॉमन ले लो, के कॉमन लोगे तो टेन माइनस ट्वेल्व प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, यानी जीरो इंटू के इक्वल्स टू जीरो, यह आ जाएगा ना, बारह माइनस बारह जीरो के, बताओ के की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, के की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, के की वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन कुछ भी डालो, जीरो इंटू वन भी जीरो होता है, जीरो इंटू टू भी जीरो होता है, जीरो इंटू थ्री भी जीरो होता है, इसका मतलब के की इन्फाइनाइट वैल्यूज होंगी, के हैज़ इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस। अगर के की कुछ भी वैल्यू हो सकती है तो फिर जब आप के को वन डालोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी फाइव, वाई की वैल्यू आएगी फोर, जेड की वैल्यू आएगी वन, जब के को वन डाला, के को ऐसे माइनस वन डालते तो x की वैल्यू आ जाती माइनस फाइव, y की वैल्यू आ जाती माइनस फोर, z की वैल्यू आ जाती माइनस वन। मतलब इस इक्वेशन के इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे हैं। सर ये तो आप कंफ्यूज कर रहे हो, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास इन इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस आए हैं बेटा जी, इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस। सर पूरी क्लास अच्छी चल रही थी, ये लास्ट में क्या कर दिया आपने, ये तीन इक्वेशंस हैं, तीन वेरिएबल्स हैं, शुरुआत से जो आपने बोला अब वो गलत कैसे हो गया। बच्चों इनफाइनाइट सॉल्यूशंस जो बताया है हमने सब परम सत्य है। हमने क्या बोला था आपसे, अगर वेरिएबल्स ज़्यादा हुए और इक्वेशन कम हुई तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन तो यूनिक सॉल्यूशन। सर फिर गलत समझा रहे हो, जितनी इक्वेशंस उतने वेरिएबल्स ही तो हैं, तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन तो यूनिक सॉल्यूशन आना चाहिए था, एक ही सॉल्यूशन आना चाहिए था। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस केवल तभी आते हैं जब वेरिएबल्स ज़्यादा हों और इक्वेशन कम हो, वेरिएबल्स ज़्यादा हों और इक्वेशन कम हो, हो ना हो यहाँ पे भी वही हो रहा होगा। कैसे सर क्या बोल रहे हो ये, बच्चों देखो इन्फाइनाइट सॉल्यूशन आए ना तो बस बात मेरी याद रखो, इन्फाइनाइट सॉल्यूशन मतलब आपके पास वेरिएबल्स ज़्यादा होंगे इक्वेशन कम होगी, कहने का क्या मतलब है वो आपको अब समझ में आ जाएगा। देखो बताओ इक्वेशन, ये तीन इक्वेशन दे रखी थी ना, एक्स माइनस टू वाई, एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल्स टू जीरो, और x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू जीरो। बच्चों ये दो ही इक्वेशंस थी, तीसरी इक्वेशन है ही नहीं है, क्यों नहीं है, अरे बेटा इसको जोड़ दे, इसको प्लस कर दे, x और x 2x,
इसको ऐड कर दे माइनस थ्री वाई, इसको ऐड कर दे प्लस टू जेड इक्वल्स टू जीरो। क्या यही थर्ड इक्वेशन दे रखी है? अरे ये डिफरेंट इक्वेशन है ही नहीं। क्या लिखवाया था? जब एन वेरिएबल्स हों और एन डिफरेंट इक्वेशन हो। ये डिफरेंट इक्वेशन थी नहीं, इसको जोड़ के ये इक्वेशन बना दी तो वो नई इक्वेशन थोड़ी ना हो गई। इसीलिए यहाँ पे इन्फाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है। चमका क्या? चमकना चाहिए भेजे में एकदम। जो लिखवाया है सब परम सत्य है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है इसका मतलब जितनी इक्वेशन उतने वेरिएबल। लेकिन अगर इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस आ गए इसका मतलब आपने जो इक्वेशंस लिखी होंगी वो वेरिएबल्स ज़्यादा हो रहे होंगे और इक्वेशन कम हो रही होगी। यहाँ पर भी ऐसा ही था, या तो देखते ही पता लगा लेते आप, लेकिन वो देख के पता नहीं लगता है, है ना? आपको पता नहीं लगेगा प्लस करना है कि माइनस करना है। मैंने तो क्वेश्चन बनाया था तो मेरे को तो मालूम है कि इनको ऐड करने पे ये इक्वेशन आ जाएगी, बट आपको देखने में पता नहीं लगेगा। आप सॉल्व करते चलो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है इसका मतलब वेरिएबल्स तीन है और इक्वेशन तीन से कम होंगी, या तो दो इक्वेशन होंगी या तो एक ही इक्वेशन होगी। तो यहाँ पे दो ही इक्वेशन है ये दोनों, ये तीसरी इक्वेशन तो इसे ऐड करके लिख दी, प्लस करके लिख दिया, ऐसे ही से माइनस करके भी एक इक्वेशन आ जाएगी, तो चार इक्वेशन थोड़ा ना बोलने लग जाओगे। अरे वो तो इसी में कुछ ऑपरेशन कर रहे हो, इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो, थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, कोई नई इक्वेशन नहीं है वो, तो यही दो इक्वेशन अलग अलग है। समझ में आ गया? चमक गया? अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो आसानी से सॉल्व कर लेना, ठीक है? अब आज के लेक्चर में, वैसे तो बड़ा हो गया आज का लेक्चर, लेकिन आज के लेक्चर में हम लास्ट एक और थ्योरेटिकल पॉइंट पढ़ेंगे, कंटिन्यूड सम और कंटिन्यूड प्रोडक्ट, है ना बच्चों? कंटिन्यू सम और कंटिन्यू प्रोडक्ट मतलब सिग्मा और पाई आएगा। हो सकता है आपने जब टेंथ में NTSC या इलेवंथ में ट्वेल्थ में अगर कोई बच्चा देख रहा है उसने KVPY की तैयारी की हो तब उसने ये सब पढ़ा होगा, अदरवाइज जो बच्चा टेंथ से आया है उसको ये सब आना चाहिए। तो आप इधर देख लीजिए, एक हेडिंग लिखिए बच्चों, कंटिन्यूड सम एंड प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट। कंटिन्यू मतलब लगातार जोड़ना या लगातार मल्टीप्लाई करना, कंटिन्यू मतलब लगातार जोड़ना या लगातार मल्टीप्लाई करना। तो पहले एक पॉइंट लिख लो आप, पहले फर्स्ट पॉइंट में आप ये लिखो कि कंटिन्यू सम, लिख लीजिए कंटिन्यूड सम इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। बच्चों ये एक सिंबल बनाएंगे, इसको पढ़ेंगे क्या? सिग्मा। तो कंटिन्यूड सम को कैसे हम पढ़ेंगे? सिग्मा से। अगली लाइन में लिख लेना कंटिन्यूअस प्रोडक्ट, लगातार प्रोडक्ट करना है आपको, ठीक है? कंटिन्यूअस प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई, ऐसा पाई जैसा सिंबल बना लोगे तो ये है कंटिन्यूअस प्रोडक्ट और ये है कंटिन्यूअस एडिशन या सम। अब इनका मतलब क्या है? इनका मतलब तो ये फर्स्ट पॉइंट मान लो, इसको क्या मान लो आप, ये फर्स्ट पॉइंट अपन ने लिखा हुआ है जिसमें अपन सिंबल का मतलब बता रहे हैं कि किस सिंबल का क्या मतलब है। सेकंड पॉइंट लिख लो बच्चों, सेकंड पॉइंट में यहाँ पे ऐसे लिखा होगा समेशन आई इक्वल्स टू वन टू एन, इसको क्या पढ़ेंगे? समेशन या सिग्मा या सम, सम फ्रॉम आई इक्वल्स टू वन टू आई इक्वल्स टू एन, समेशन फ्रॉम आई इक्वल्स टू वन टू आई इक्वल्स टू एन। ये आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है? वन से एन तक जा रही है। अंदर मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है एक्स आई, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा पहले आई की जगह वन रखो तो एक्स वन, समेशन का मतलब फिर क्या लगाओ? प्लस। समझ रहे हो? कंटिन्यूस सम मतलब लगातार जोड़ते हुए चलना है और ये वैल्यूज दी जाएंगी आपको, और फिर आई की वैल्यू वन रख दी, फिर आई की वैल्यू टू रख दो तो एक्स टू, फिर प्लस लगाएंगे क्योंकि सिग्मा है, और फिर एक्स की वैल्यू थ्री लिखेंगे, है ना? आई की जगह थ्री आ जाएगा। ऐसे चलते रहेंगे कहाँ तक? जब आई की वैल्यू कितनी नहीं हो जाएगी? एन। तो इतना बड़ा सा ये सब लिखने के बजाय अपन मैथ्स वाले लोग हैं तो अपन क्या लिखेंगे? समेशन या सिग्मा से इसे लिखा करेंगे। तो समेशन का मतलब क्या होगा? जोड़ना यार, ऐड करना, है ना? लगातार जोड़ना, लगातार ऐड करना, लगातार समेशन करना, उसी को हम आई इक्वल्स टू वन से आई इक्वल्स टू एन तक एक्स आई लिखेंगे। इसी में अगर लिखा होता पाई आई इक्वल्स टू वन से आई इक्वल्स टू के एक्स के, इसका मतलब लगातार प्रोडक्ट, कंटिन्यूस प्रोडक्ट, मतलब एक्स वन इंटू एक्स टू
इंटू एक्स थ्री टिल एक्स एन, समझ रहे हो? पहले एक्स के है, एक्स के, अच्छा के मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, आप लोग कन्फ्यूज मत हो जाना, है ना, वो जो इस पर अपन ने आई शो नहीं किया है तो आप आई के लिए कन्फ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे आई ही लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा हुआ है, आई, एक्स आई, एक्स आई लिखा हुआ है, तो पहले आई की जगह वन डाला तो एक्स वन, फिर आई की जगह टू डाला तो एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, ऐसे एक्स कब तक, जब तक आई की वैल्यू के ना हो जाए, आई की वैल्यू के नहीं, आई की वैल्यू अपन तो एन कर रहे हैं, तो जो भी लिखाओ आई की वैल्यू कुछ खास बात नहीं है, आई की वैल्यू एन तक, तो आई की वैल्यू वन से आई की वैल्यू एन तक अगर एक्स आई आपको लिखा हुआ है, मतलब लगातार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आई की जगह वन आ जाएगा एक्स वन, आई की जगह टू आ जाएगा एक्स टू, आई की जगह थ्री आ जाएगा एक्स थ्री, ऐसे आई की जगह एन आ जाएगा तो एक्स एन, इसको क्या बोलोगे आप, कंटिन्यूअस प्रोडक्ट, इसको क्या बोलोगे आप, कंटिन्यूअस समेशन, ठीक है, लगातार जोड़ना, लगातार मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट करना, ये सेकंड पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए। जो भी यहाँ पे लिखा हो आई इक्वल टू वन, आई इक्वल टू एन, मतलब वो चीज़ चेंज हो रही है, आई लगातार चेंज हो रहा है, आई कहाँ तक चेंज हो रहा है, वन से एन तक, पाई भी मतलब आई चेंज हो रहा है वन से एन तक, लेकिन पाई का मतलब मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट कर दो, इसको कंटिन्यूअस प्रोडक्ट, लगातार मल्टीप्लीकेशन, कंटिन्यूअस प्रोडक्ट, लगातार जोड़ते रहो, कंटिन्यूअस एडिशन, कंटिन्यूअस समेशन, कंटिन्यूअस सम बोल सकते हो इसे, ठीक है। फिर आप इसमें क्या करो, थर्ड एक और प्रॉपर्टी, मान लो आपको ऐसे लिखाओ समेशन आई इक्वल्स टू वन से आई इक्वल्स टू एन तक जाएगा, लेकिन केवल एक्स लिख दिया, अब यहाँ पे आपको आई दिखा ही नहीं, अगर आई दिखता तब तो बात थी, अब ऐसा नहीं दिखाना, इसका मतलब इसी नंबर को एन बार ऐड कर दो, आई तो दिख नहीं रहा ना, इसका मतलब क्या है, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, कब तक, एन टाइम्स, एन टाइम्स, क्योंकि आई की वैल्यू वन से एन तक है तो एन टर्म्स बनेंगी, एन संख्याएं, एन टर्म्स आनी चाहिए, लेकिन सारी टर्म एक्स ही है, तो एक्स बार इसे जोड़ते हैं, तो दो बार एक्स को जोड़ोगे तो टू एक्स, तीन बार एक्स को जोड़ोगे तो तीन एक्स, तो अगर एन बार एक्स को जोड़ोगे तो एन एक्स आएगा कि नहीं आएगा, एन एक्स आ जाएगा, हो सकता है कन्फ्यूज करने के लिए आपको आई इक्वल्स टू वन से आई इक्वल्स टू एन तक पाई निकालने को बोल दे। बच्चों अगर यहाँ पे दिया होता आई तो वो आई की वैल्यू 1, 2, 3, 4, एन तक चेंज करते, बट आई नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब हमें यही एक्स को एन बार मल्टीप्लाई करना है, इसी एक्स को मल्टीप्लाई करना है कितने टाइम्स, एन टाइम्स, तो अगर आप एक्स को एन टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो बताने की ज़रूरत नहीं है, एक्स को दो बार मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर, एक्स को तीन बार मल्टीप्लाई करोगे एक्स क्यूब, एक्स को एन बार मल्टीप्लाई करोगे एक्स की पावर एन, सही है। कंटिन्यूस प्रोडक्ट, कंटिन्यूस सम, नई नई चीज़ें हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिंबल है एक, है ना, सिंबल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो लिखने की बजाय समेशन, 1 × 2 × 3 × 4 लिखने के बजाय प्रोडक्ट, है ना, तो कंटिन्यूअस प्रोडक्ट, कंटिन्यूअस सम, ऐसा कुछ बता रहे हैं अपन। उसके बाद आप मेरे को फोर्थ प्रॉपर्टीज ही चल रही है, बट नाम अपन प्रॉपर्टीज नहीं देंगे, आप ये बताओ मेरे को इसकी वैल्यू क्या आती है, समेशन आई हो, कुछ भी लिख सकते हैं, मान लो के दे देता हूँ, जनरली बुक्स में के भी दिया जाता है, के इक्वल्स टू वन से के इक्वल्स टू एन तक, और ये लिखा होता ए के प्लस बी के, चलो ये दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा के की वैल्यू पहले वन डालनी है, फिर टू डालनी है, फिर थ्री डालनी है, के की वैल्यू लास्ट में एन आएगी, इतना तो समझ में आता है, के की वैल्यू वन से एन तक जाएगी, ये तो इसका मतलब होता है, लेकिन बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, इस सिग्मा का मतलब प्लस, तो अगर आपको कुछ डाउट है, एक ब्रैकेट प्लस, दूसरा ब्रैकेट प्लस, तीसरा ब्रैकेट प्लस, चौथा ब्रैकेट प्लस, क्यों आया है, प्लस इस समेशन के कारण आया है, पहले ब्रैकेट में क्या आएगा, जब आप के को वन डालोगे तो ए वन प्लस बी वन प्लस ए टू प्लस बी टू, ये प्लस क्यों आया, समेशन के कारण, और ये तो ब्रैकेट जो भी था वो लिखो, फिर समेशन के कारण प्लस लगाओ, फिर ये ब्रैकेट था वो लिखो, फिर इस सिग्मा समेशन के कारण प्लस लगाओ, ठीक है, फिर k की वैल्यू अगर आप 2 डाल दी, फिर k की वैल्यू 3 डालोगे तो a3 b3 आ जाएगा। बच्चों ये बताओ, ये जो आया ऐसे यहाँ तक कहाँ तक लिखते हैं अपन, ऐसे n तक आ जाता, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, सारे a1 को एक साथ लिखते हैं, a1 प्लस a2 प्लस a3 ऐसे आ जाएगा, कुछ फ़र्क थोड़ा ना पड़ेगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 और प्लस
b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस bn लिख सकते हैं ना, ये और ये सेम ही है, a1 प्लस b1 प्लस a2 प्लस b2 वही तो लिखा हुआ है, a1 b1 a2 b2। क्या इसको मैं सिग्मा लिख सकता हूँ, सिग्मा ai या सिग्मा ak के इक्वस टू 1 से के इक्वस टू n तक लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, यही तो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, ये भी लगातार जुड़ता जा रहा है, तो सिग्मा के इक्वस टू 1 से के इक्वस टू n तक bk लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब याद रखना है कि ये जो समेशन होता है, ये जो सिग्मा होता है, ये प्लस को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, मतलब अगर ये सिग्मा ए के बी के था ना, तो आप इस सिग्मा को अगर प्लस बीच में साइन आ रहा है या माइनस साइन आता, देखो माइनस साइन आता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे ए वन बी वन के बीच में माइनस आ जाता, माइनस आ जाता, माइनस आ जाता, ब्रैकेट के बाद तो प्लस ही आएगा सिग्मा, और बताओ यहाँ पे क्या करते, सारे ए वन ए टू ए थ्री ए फोर एक जगह लिखते, और यहाँ पे माइनस के आगे क्या लिखते थे, बी वन बी टू बी थ्री बी फोर, और यहाँ पे भी क्या आ जाता, माइनस आ जाता। तो आप ये बताओ मेरे को, ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को हमने यहाँ तक लिख दिया, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी बन गई कि सिग्मा प्लस और माइनस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अगर नंबर्स के बीच में प्लस और माइनस होगा तो सिग्मा दोनों में बंट जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब दिस कैन बी रिटन एज सिग्मा ए के प्लस सिग्मा बी के, माइनस तो माइनस है ना, और के तो है ही, के की वैल्यू 1 से n तक डालनी है, के की वैल्यू 1 से n तक डालनी है, वो तो है ही। प्रॉपर्टी है ये कि सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट्स इन प्लस एंड माइनस साइन, इन समेशन एंड डिफरेंस, समझ रहे हो आप, ये जो सिग्मा साइन है ये एडिशन और माइनस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इंडिविजुअल के पास चला जाता है, ये सिग्मा ए के पास भी चला गया और सिग्मा बी के पास भी चला गया। प्रॉपर्टी लिख लेते हैं अपन, जो प्रॉपर्टी है यहाँ से आया है, लिख लेना कि सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट्स इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सिग्मा अपने आप को वितरित कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब बट जाएगा है ना, तो डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब बट जाएगा, सिग्मा बट गया, सिग्मा अगर प्लस और माइनस साइन है तो सिग्मा इसमें को भी मिल जाएगा, इसको भी मिल जाएगा, मतलब बट जाएगा, लेकिन अगर बीच में प्रोडक्ट होता या डिवीजन होता तो ऐसा नहीं होगा, वो फिफ्थ पॉइंट है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, फिफ्थ पॉइंट जो है, फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है, मान लीजिए आपको ये दिया होता सिग्मा ए आई बी आई और आई इक्वस टू 1 से एन तक, मान लीजिए, बोलिए क्या होता ये, सिग्मा का मतलब क्या होता, तो यहाँ पे सिग्मा का मतलब होता कि ब्रैकेट लगाइए फिर प्लस, ब्रैकेट लगाइए फिर प्लस, ब्रैकेट लगाइए फिर प्लस, ब्रैकेट लगाइए फिर प्लस, है ना, सिग्मा का मतलब प्लस, और पहले ब्रैकेट में क्या आएगा, आई को 1 लिख दो तो ए वन बी वन, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, आई को 2 लिख दो ए टू बी टू, तीसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, आई को 3 लिख दो ए थ्री बी थ्री, सिग्मा का मतलब प्लस लगाना है भाई, अभी पाई आ जाता तो प्रोडक्ट लग रहा होता है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लग रहा होता, समझ रहे हो, तो ये आ गया सिग्मा। अब बताओ इसको तुम ऐसे लिख सकते हो क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या अपन, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री मल्टीप्लाइड बाय बी वन प्लस बी टू, ऐसे लिख सकते हैं क्या अपन इसे, क्योंकि अगर ऐसे लिख सकते हो तो फिर इसको क्या लिखते हैं, सिग्मा ए वन, इसको क्या लिखते हैं, सिग्मा बी टू, है ना, सिग्मा ए वन सिग्मा ए टू, सिग्मा मतलब एडिशन, एडिशन ऑफ ए वन, एडिशन ऑफ ए, एडिशन ऑफ बी, तो सिग्मा ए और सिग्मा बी ऐसे नहीं लिख सकते ना इसे, ये तो क्या है, देखो ए वन मल्टीप्लाई हुआ, ए वन मल्टीप्लाई हुआ किससे, बी वन से, तो पहली टर्म तो मिल गई, लेकिन फिर ए वन मल्टीप्लाई हुआ बी टू से, ए वन बी टू से तो कहीं मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू दिस वैल्यू, समझ रहे हो क्या, एंड हेंस, और इसलिए ये वैल्यू भी बराबर नहीं होगी सिग्मा ए के सिग्मा बी के, मतलब मल्टीप्लीकेशन में सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वितरित नहीं होगा, इंडिविजुअल टर्म्स को नहीं मिलेगा, सिग्मा इसको भी नहीं मिलेगा, सिग्मा इसको भी नहीं मिलेगा, ये प्रोडक्ट के साथ है, वो प्रोडक्ट के साथ ही चलेगा, डिवीजन में भी डिवीजन के साथ होता तो डिवीजन के साथ चलता, अलग अलग को नहीं मिलेगा, प्लस और माइनस में अलग अलग को मिल गया, अगर प्लस और माइनस में है ना तो सिग्मा पहले को भी मिल जाएगा, सिग्मा दूसरे को भी मिल जाएगा,
कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रोडक्ट में सिग्मा ए और बी को नहीं मिलेगा। यही कहानी बच्चों डिवीजन में भी चलेगी कि डिवीजन में भी सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। जैसे कि आपको हम ये बोल दें सिग्मा ए आई अपॉन बी आई, आई इक्वल्स टू वन से एन तक, वही है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सिग्मा, सिग्मा का मतलब ब्रैकेट में प्लस, फिर ब्रैकेट लगाइए प्लस, फिर ब्रैकेट लगाइए प्लस, सिग्मा मतलब प्लस करना है। पहले i को 1 करेंगे तो a1 b1, फिर i को 2 रखेंगे तो a2 b2, फिर i को 3 रखेंगे तो a3 b3, यही आएगा। बताओ क्या ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है a1 b, a1 a2 a3 b1 b2 b3, क्या ये दोनों वैल्यूज़ इसके बराबर हैं? नहीं, ये तो इसके बराबर है ही नहीं, इसका एलसीएम एलसीएम लेके तो आएगा ही नहीं, ये इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं है, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर थोड़ी ना है कि ऊपर जोड़ दिया आपने सबको, ये वैल्यू बराबर है ही नहीं। इसका मतलब आप इसको नहीं लिख सकते, ये वैल्यू भी इज नॉट इक्वल टू सिग्मा ए आई अपॉन सिग्मा बी आई। अगर इसको ऐसे लिख पाते तो भाई ये भी सही होता। सिग्मा का मतलब समझ रहे हो ना, प्लस, और पाई का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। सिग्मा जो है वो प्लस और माइनस में अपने आप को तोड़ सकता है, अपने आप को वितरित कर सकता है, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन प्रोडक्ट और डिवीजन में सिग्मा इंडिविजुअल टर्म्स को नहीं मिलेगा, इट विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट। तो मैं वापस से प्रॉपर्टी लिख देता हूँ कि सिग्मा सिग्मा will not distribute, sigma will not distribute in product or division, in product or division। बच्चों समझ में आ गया होगा, ये छोटी मोटी प्रॉपर्टीज हैं, इनको बार बार देख लो। देखो सिग्मा जो है ना, सिग्मा अगर प्लस और माइनस के केस में आ रहा है तो इंडिविजुअल टर्म्स को दे सकते हो आप, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं दे सकते हो, वो आप एक्सपेंड करके देखोगे तो चीज़ें बराबर नहीं आ रही होंगी, वो मैंने आपको बता दिया है। कुछ एग्जांपल्स लिख लो इसमें आप, है ना, इस लेक्चर को वाइंड अप भी करते हैं अपन, बड़ा सा हो गया लेक्चर, तो इसमें आप मेरे को बता दो ये एक्सपेंशन कैसे करोगे आप, इसका मतलब क्या हो जाएगा। जैसे सिग्मा मैं आपको दे देता 2 की पावर के इंटू 7 की पावर के, के इक्वल्स टू 1 से लेट से के इक्वल्स टू 3 देता केवल, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा सिग्मा, सिग्मा का मतलब एक ब्रैकेट फिर प्लस, दूसरा ब्रैकेट फिर प्लस, तीसरा ब्रैकेट, नंबर ऑफ ब्रैकेट्स ये दिए हुए हैं के इक्वल टू 1 से 3, 1 2 3 तीन वैल्यू। अब के की वैल्यू 1 डालोगे 2 की पावर 1, 7 की पावर 1, के की वैल्यू 2 डालोगे 2 की पावर 2, 7 की पावर 2, के की वैल्यू 3 डालोगे 2 की पावर 3 और 7 की पावर 3, ये सिग्मा का मतलब है। और भगवान के लिए इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, इट इज़ नॉट इक्वल टू की सिग्मा 2 की पावर के इंटू सिग्मा 7 की पावर के, ऐसा मत कर देना, ये दोनों बराबर नहीं हैं, ये दोनों बराबर नहीं हैं। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता सिग्मा 2 की पावर के प्लस 7 की पावर के, के इक्वल्स टू 1 से के इक्वल्स टू 3, तो इसको आप ज़रूर लिख सकते थे, प्लस है ना, तो सिग्मा 2 को भी मिल जाएगा और सिग्मा 7 को भी मिल जाएगा, ये लिखना बिल्कुल सही है। के की वैल्यू वही 1 से 3 तक, के की वैल्यू वही 1 से 3 तक, तो सिग्मा और पाई की छोटी मोटी कैलकुलेशन आनी चाहिए। बाकी इसे लिखोगे क्या, के की वैल्यू 1 2 3 डाल देना, के की वैल्यू 1, के की वैल्यू 2, के की वैल्यू 3, ऐसे 1 2 3 तो डाल ही दिया करो। सिग्मा मतलब बीच में प्लस लगाना है, सिग्मा मतलब बीच में प्लस लगाना है, वैल्यू डाल देना, फिर ये प्लस है तो प्लस लगा दिया, फिर के की वैल्यू 1 2 3, के की वैल्यू 1, के की वैल्यू 2, के की वैल्यू 3, 1 2 3 तो के की वैल्यू डाल दी, लेकिन बीच में कौन सा साइन आएगा, समेशन का, समेशन का मतलब प्लस का, समझ रहे हो क्या? कुछ भी खास बात नहीं। आओ सिग्मा हो गया, पाई में एक्सपेंशन बताओ जरा, पाई में एक्सपेंशन बताओ, आपको लिखा हुआ है पाई के इक्वल टू 1 से के इक्वल टू 3 तक ही ले लो, और 3 की पावर के इंटू या प्लस कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ थोड़ा, 7 की पावर के। बच्चों सिग्मा या पाई कुछ भी आए, ये ब्रैकेट्स हैं ना, ये ब्रैकेट्स तो एज इट इज रहेंगे, पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट,
तीसरा ब्रैकेट, ये तीन ब्रैकेट क्यों लगाए कि के की वैल्यू 1 2 3 तीन हो सकती है ना, के की वैल्यू, तो के की तीन वैल्यूज डालेंगे तो तीन ब्रैकेट्स बन जाएंगे, तो तीन ब्रैकेट्स लगा लिए, लेकिन ब्रैकेट्स के बीच में पाई लिखा हुआ है, पाई मतलब मल्टीप्लाई का साइन भाई। अब क्या करना है, के को 1 डाल दो, 1 डालोगे 3 की पावर 1, 7 की पावर 1 पहले ब्रैकेट में, के की वैल्यू 2 डालोगे 3 की पावर 2, 7 की पावर 2, और फिर 3 डालोगे तो 3 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3, तो पाई का मतलब ये आ जाएगा। याद रख लेना बच्चों, बिल्कुल आसानी से आप चीज़ें याद कर सकते हो, जो भी प्रॉपर्टीज़ हो सकती थी वो आपको समेशन की बता दी गई हैं, वो याद कर लेना। तो आज के लेक्चर में हमने 3 पॉइंट सीखे हैं, हमने कुछ आइडेंटिटीज सीखी थी बच्चों, वो याद कर लेना, स्पेशल आइडेंटिटीज़ हैं आपको ज़रूरत पड़ेगी। इक्वेशन सॉल्व करना सीखा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखा है, ये पाई और सिग्मा सीखा है, ये है। एक नेक्स्ट क्लास और बेसिक मैथ्स की आएगी जिसमें रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे अपन, उस क्लास को और देख लो, उसके बाद 11th की जो मैथ्स है वो चालू कर देंगे। चलिए बच्चों जल्दी से मिलते हैं, तब तक बच्चों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए।